हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ खास, तो वो है ढोकला। तो लॉकडाउन में हमने सोचा कि ढोकला ट्राई करते हैं, तो मैंने ये ढोकले की रेसिपी आपको सिखा रही हूँ। इसमें मैंने बाउल में बेसन लिया है 1 कटोरी, और 1 कटोरी दही लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है, साथ में मैंने इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, शुगर डाला है, और शुगर हम ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। और मीनवाइल मैंने बैटर ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया। अभी इसको अच्छे से ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के फेंट लीजिए, और एक बाउल के अंदर या जिसमें भी आपको बॉईल करना है, ये मेरा इडली मेकर है तो मैंने इसमें पानी बॉईल करने रख दिया है, तो ये इसमें पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है। और जो भी मैं ये बैटर मैंने फेंटा हुआ है अच्छे से, ये मैं अलग से एक बाउल के अंदर रखूँगी उसे ग्रीस करके, ताकि वो अच्छे से बाहर निकल जाए। और जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा बैटर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। और मैंने इसके अंदर एक कटोरी रख दी है, ताकि जो मैं इसके ऊपर रखूँ थोड़ा सा हाइट मिल जाए, और पानी बॉयल होके उस जार के अंदर ना जाए जिसमें कि मैं जिस कंटेनर में मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने लॉकडाउन की स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज आपको पता है कि रेगुलर डेज में तो हम लोग इतने ज़्यादा, कुछ लोग वर्किंग है, कुछ लोग वैसे हाउसवाइफ होके बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो कुछ नया ट्राई कर सके। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप कुछ नई डिशेस ट्राई कर सकते हो। आई लव कुकिंग न्यू फूड्स, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि मैं कुछ ट्राई कर सकती हूँ। ऑल दो बाहर बहुत सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, एंड वी हैव यू नो स्टार्टेड थिंकिंग ऑल दी नेगेटिव थिंग्स। हम लोगों के दिमाग में भी बहुत नेगेटिविटी आती है, बट आई थिंक कुकिंग इज़ वन ऑफ द थिंग जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपकी हटा सकती है। सो हमें इस बैटर को आप कंसिस्टेंसी देखिए, मतलब बिल्कुल भी पतला नहीं है बैटर। सो मतलब ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इट इज़ अ फ्लोई बैटर। तो अब मैंने इस बैटर को इस जार में अलग से डाल लिया है, और अब मैं इसको स्टीम करने के लिए रख दूँगी, सो दैट ये अच्छे से स्टीम हो जाए। और अब मैं ये बॉइलिंग वाटर वाले इडली मेकर में अपने डाल के इसको लिड से कवर कर दूंगी फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में ये बन के रेडी हो जाएगा। मीनवाइल आप एक बारी विद द हेल्प ऑफ नाइफ आप यू नो उसको इंसर्ट करके देख सकते हैं कि उसमें कुछ लग तो नहीं रहा। अगर नहीं लग रहा है, यानी कि इट इज़ रेडी। सो अब मैंने ये लंबी लंबी हरी मिर्च ले लिया फॉर द तड़का। और फ्रैंकली मेरे पास कड़ी पत्ता है, बट क्योंकि ये ब्लॉग में शाम के टाइम बना रही थी, तो शाम को आपको पता है कि प्लांट्स नहीं तोड़ते, तो दैट्स वाई मैंने कड़ी पत्ता नहीं तोड़ा। सो अगर आप लोग मॉर्निंग में बना रहे हैं, या पहले से तोड़ के रख लीजिएगा, बिकॉज कड़ी पत्ता और राई का तड़का इस पर बहुत अच्छा लगता है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव राई ऑल्सो, सो मैंने ऐसे ही इसको प्रिपेयर किया है। अब मैं इस पैन में ऑयल डालूँगी, और आई विल ऐड दी चिलीज, सो आई विल फ्राई देम एंड आफ्टर दैट आई हैव एडेड 2-3 स्पून्स ऑफ शुगर वाटर, आई विल मेक इट टू बॉयल। देन आफ्टरवर्ड्स आई विल सेपरेट द मिक्सचर एंड कीप इट इन अनदर बाउल, एंड विल चिल दैट सो दैट, बिकॉज हम ना ढोकले पे गरम तड़का प्लीज़ मत डालिएगा, उससे ढोकला ख़राब हो जाएगा। सो इसीलिए हम इसको बॉयल करके अलग से रख लेंगे। और आप एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि नमक ज़्यादा भी नहीं अच्छा लगता इसमें, और हल्का सा खट्टा मीठा होता है ये, तो इसीलिए हम इसमें नमक ऐड करते हैं। सो अगर आपके पास नींबू हो तो आप बैटर में नींबू ज़रूर डालिएगा। और रेस्ट आप देख सकते हैं, अगर आपके पास खट्टी दही है तो आई थिंक वो भी पर्पस सॉल्व करती है, बट इसमें आधा नींबू डलता है जितना मैंने क्वांटिटी ली है उसमें।
सो रेस्ट ये मेरे इसमें इसमें मैं पर्टिकुलरली आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने भी तड़का प्रिपेयर करने में मेरा हेल्प किया है. सो ही इज़ ऑल्सो गेटिंग बोर ना बिकॉज लॉकडाउन है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू. पूरा दिन आप कितना टीवी देख लोगे एंड व्हाट विल यू डू. सो इसीलिए वो उन्होंने भी मेरा हेल्प किया है इसमें. एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हेल्प मी आउट एज वो भी बहुत बिजी रहते हैं, बिजी शेड्यूल है उनका. सो ही हैज़ अ पार्टी आउटलेट इन कालका जी. सो ही इज़ वेरी बिजी ऑन अदर डेज. ही इज़ वर्किंग 7 days एंड यू नो ही डोंट हैव एनी लीव देयर. सो इसीलिए वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं घर बैठ के. सो ही वॉन्टेड टू हेल्प मी एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू विद मी. सो या सो आप देखिए हमारा ढोकला कितने अच्छे से फूल गया एंड यू नो इट हैज़ बिकम सो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. बट अभी हम इसको थोड़ी देर और कुक होने देंगे बिकॉज अभी ये कच्चा होगा अंदर से. ये मेरी सूजी की वीडियो बाय मिस्टेक आ गई है, इसमें क्लिप्स आ गए हैं कुछ. बट हाँ मैंने सूजी के गोलगप्पे भी प्रिपेयर किए हैं. उसका वीडियो भी मैं इसी वीडियो के बाद अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप वो भी ज़रूर देखिएगा, जो कि हमारे सूजी के गोलगप्पे बहुत टेस्टी बने थे. उसका थोड़ा लास्ट टाइम भी मैंने बनाए थे, उसका वीडियो भी अपलोड किया था, बट इस टाइम मैंने थोड़ी अलग रेसिपी के साथ बनाया, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस बार बहुत अच्छे बने थे. और ये देखिए ढोकला मैंने निकाल लिया है, कितना सुंदर और स्पॉन्जी लग रहा है देखिए. और अब मैं इसको एक अलग से प्लेट में निकाल लूँगी. फिर उसके बाद मैंने जो बैटर जो इसका तड़का है वो ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा था. अब मैं इसको वापस से बाउल में डालूँगी क्योंकि जो मैंने इसका पानी वाला तड़का बनाया है ना वो इसको सोखेगा, तभी ये डबल साइज़ हो जाएगा. सो वी हैव टू कीप फॉर यू नो फॉर अ गुड टाइम इन फ्रिज सो दैट इट विल बिकम स्पॉन्जी और वो सारा पानी पी के यू नो अच्छे से फूल जाएगा. पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी अच्छी रखिएगा सो दैट ये अच्छे से पानी पी ले. और अब मैं इसको पीसेस में कट करके फ्रिज में रख दूँगी और धनिए से गार्निश करके सर्व करूँगी. सो गाइस आप ना प्लीज़ सॉल्ट का ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ढोकला जब बनाया था तो सॉल्ट मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था और ज़्यादा सॉल्ट ढोकले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. इस टाइम मैंने सॉल्ट का बहुत ध्यान रख के बनाया, तो आई एम डैम श्योर कि ये सॉल्टी तो बिल्कुल नहीं लगेगा. एंड बैटर में भी आप 1-2 चम्मच शुगर ज़रूर डालिएगा सो दैट यू नो इट विल टेस्ट गुड. और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी फॉर अ गुड